इंडोक्राइन सिस्टम ये पार्ट है क्लास इलेवन की साइकोलॉजी का चैप्टर थर्ड ह्यूमन बिहेवियर इंडोक्राइन सिस्टम मतलब ग्लैंड मतलब हार्मोन इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है हार्मोन हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारे बहुत सारे बिहेवियर भी चेंज होगा तो इंडोक्राइन जो हार्मोन है वो सिक्रेट होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेज कॉल्ड हार्मोन हार्मोन किसी एक ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते कई सारे ग्लैंड हैं जिनसे हार्मोन सिक्रियट होते हैं तो स्पेसिफिक ग्लैंड से स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रिएट होता है और उसका एक स्पेसिफिक रोल है जैसे कि इंसुलिन है इंसुलिन हार्मोन है और उसकी अगर उसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है जो मेल हार्मोन है उसकी वजह से मेल करेक्टरिस्टिक दाढ़ी मोछाना ये होता है तो हार्मोन का एक ओरिजिन भी उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्लैंड से ही होगी और उसका रोल भी अपना है तो जिस हारमोन का जो रोल है वो वही हारमोन वो कर सकता है दूसरा कोई हारमोन वो नहीं कर सकता है और मान लो कि उस हारमोन की कमी हो जाए या सिक्रेशन कम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है तो इंडोक्राइन सिस्टम मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रिएट करते हैं स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं हारमोन और हर एक हारमोन का अपना एक रोल है अपना एक काम है हारमोन कंट्रोल सम ऑफ अवर बिहेवियर कुछ बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड और कॉल्ड डकटलेस ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड डकटलैस ग्लैंड मतलब कोई ऐसा डक्ट नहीं होती कोई जैसे डक्ट मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं होता कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पर हारमोन सिगरेट हो जाए हारमोन वहीं सिगरेट होगा जहाँ पर ग्लैंड होगी अब वहाँ से ब्लड पहुँचा देगा उसे जहाँ उसे जरूरत होगी इंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड डकटलेस ग्लैंड बिकॉज दे डो नॉट हैव एनी डक्ट टू सेंड देयर सिक्रीसन टू स्पेसिफिक प्लेस इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं सिंपल सी बात याद रखना तो डक्ट नहीं है मतलब कोई ऐसा पाइप या ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ तक वो कोई भेज सकें तो हार्मोन आर सर्कुलेटेड बाय द तो ब्लड स्ट्रीम तो हार्मोन जहाँ पर ग्लैंड वहीं पर सिक्रेट हो जाएगा और वहाँ से ब्लड खून के थ्रू खून से होके भैया ब्लड से होके पहुँचेगा अफेक्टेड ऑर्गन तक या जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक इंडोक्राइन सिस्टम वर्क इन कंजक्शन विद डिफरेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम जो सिस्टम है या ग्लैंड है वो काम करते हैं साथ नर्वस सिस्टम के साथ मिलके तो दोनों होल सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरो इंडोक्रैन सिस्टम नर्वस सिस्टम और इंडोग्रैन सिस्टम दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों को क्या कहा है क्या कहा है जा जाएगा न्यूरो इंडोग्रैन सिस्टम फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है कहाँ पर क्रेनियम मतलब ब्रेन में ब्रेन वाला पार्ट है ना वहाँ से है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्रुट्री ग्लैंड इज सिचुएटेड विद इन द करेनियम क्रेनियम मतलब बोन स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का जस्ट बिलो द हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस पार्ट है ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथेलमस उसके जस्ट बिलो सिचुएटेड है पिटरी ग्लैंड पिटरी ग्लैंड इज डिवाइड इंटू दो पार्ट में डिवाइडेड है एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब अगला और पिछला दो पार्ट हो गया पिटरी ग्लैंड के कहाँ पर है जस्ट बिलो द हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस फोर ब्रेन का पार्ट है एंटीरियर पेट्रोटरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाइपोथेलमस विच रेगोलेट इट्स हारमोन हाइपोथेलमस से कनेक्टेड है पिट्रोट्री ग्लैंड ग्रोथ हारमोन पेट्रोट्री गलट करते ग्रोथ हारमोन जो मेनटेन करेगा हमारी ग्रोथ कैसी हो एंड अदर हारमोन विच डायरेक्ट एंड रेगुलेट दिक्रीजन ऑफ मैनी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड पेट्रोट्री ग्लैंड से कई सारे हारमोन सिक्रेट होते हैं जो दूसरे ग्लैंड को भी अफेक्टेड करते हैं हारमोन सिक्रिएट करने के लिए कि हारमोन को सिकरेट करना है कि नहीं करना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड को भी बताती हैं कि हारमोन सिक्रिएट कर रहा है कि नहीं करना है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है सिचुएटेड है बिलो द हाइपोथेलमस दो पार्ट में डिवाइडेड है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कई सारे हारमोन सिक्रेट होते हैं और एक उसमें से ग्रोथ हारमोन भी है और जो हारमोन सिक्रेट हो रहे हैं वो दूसरे ग्लैंड से हारमोन सिक्रिएट करने में हेल्प भी कर रहे हैं तो इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है तो क्वेश्चन ये है कि कौन से ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है सम हारमोन्स आर सिकरेटेड एट ए स्टडी रेट थ्रू आउट द लाइफ कुछ हारमोन थ्रू आउट द लाइफ सिकरेट होते हैं वाइल अदर आर सिक्रेटेड एट एनी अप्रोप्रिएट टाइम इन लाइफ कुछ हार्मोन का एक टाइम होता है और कुछ हार्मोन लाइफ टाइम सिक्रेट होते हैं क्वांटिटी थोड़ा अपडाउन चलती है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज होते हैं स्टडीली थ्रू चाइल्ड चाइल्डहुड पूरे बचपन में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो बच्चा तेजी से बढ़ता है बट गोने हार्मोन हारमोन सिक्रेटेड एट द एज ऑफ पवर्टी मतलब जो हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं मेल और फीमेल में वो एक टाइम के बाद दिखना शुरू होते हैं तो तभी वो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उससे पहले वो सिक्रेट नहीं होते बच्चों में नहीं दिखाई देते ना तो दाढ़ी नहीं नजर आती ना बच्चों में तो वो तब उनके हारमोन सिक्रेट नहीं होते तो कुछ हारमोन पोवर्टी पर सीक्रेट होते हैं मतलब जब एडल्ट होने की तरफ बच्चा बढ़ जाता है तब ही होते हैं कुछ हारमोन लाइफ टाइम सीक्रेट होते हैं तो डिपेंड करता है जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है ऐसे ही हारमोन का सिक्रेशन होता है नेक्स्ट ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड ये गर्दन में होती है गर्दन कभी कभी किसी मोट हो जाती है ना तो वो थायरॉयड ग्लैंड की वजह से ही है तो थायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक इट प्रोड्यूस थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होगा दैट इन्फ्लुएंस इज द बॉडीज मेटाबोलिक रेट भी बॉडी की मेटाबोलिक रिगेट उसे इन्फ्लुएंस करेगा ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड एंड रेगुलेटेड बाई एंटीरियर पिटरी हारमोन देखो पिटूटरी मास्टर ग्लैंड है उससे सिक्रेट होता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिकरेट हो रहा है थायराइड स्टूमलेटिंग हार्मोन और ये थायराइड को स्टमुलेट कर रहा है हार्मोन सिगरेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है कहाँ है क्रेनियम हाइपेथलमो से अटैस्ट है मतलब ब्रेन से अटैस्ट है उससे हार्मोन सिगरेट हो रहा है थायराइड स्टमलेटिंग हारमोन ठीक है अब ये हारमोन थायराइड ग्लैंड को स्टमलेट कर रहा है हारमोन सिगरेट करने के लिए इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इससे जो सिगरेट हुआ हारमोन वो दूसरी ग्लैंड के पास जा रहा है वहाँ हार्मोन सिगरेट करने के लिए उसे कह रहा है तो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसका हार्मोन है ये पिटरी हार्मोन है ये क्या कर रहा है इट मेंटेन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन सीगरेटेड एंड रेगुलेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड

नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड ये है किडनी के ऊपर हमारे पास दो किडनी है दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड है तो मतलब इसका मतलब एक पेयर होगी एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड अबाउ ईच किडनी एट्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं कॉटेक्स एंड मेड्यूला एट्रीनल कोटेक्स एंड मेड्यूला एक पेयर किडनी होगी दोनों किडनी के ऊपर है ये एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं एटरिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दोनों से अपने अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होंगे द सिक्रेशन ऑफ एट्रनल कॉर्टेक्स इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाई एटोकोटिकोट्रोपिक हारमोन और ये हार मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हारमोन सिक्रेट होंगे वो उसे रेगुलेट करेगा ए सी टी एच हारमोन और ए सी टी एच सिकरेट हुआ है कहाँ से पिट्रोट्री से तो इसीलिए पिट्रोट्री ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है क्योंकि उससे जो हारमोन जा रहा है वो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है हारमोन सिकरेट करने के लिए एड्रेनल कॉर्टेक्स सिकरेटिक ग्रुप ऑफ हारमोन टिकॉयड कोर्टिकोड जो यूज होते हैं यूटिलाइज एन बॉडी फॉर ए नंबर ऑफ साइ फिजियोलॉजिकल परपज जैसे कि रेगुलेशन ऑफ मिनरल इन द बॉडी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का जो बैलेंस बढ़ाना वो एन एनी डिस्टर्बेंस इन इट्स फंक्शन अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम कोर्टेक्स से जो हारमोन से क्रिएट होंगे वो होंगे कोर्टिकॉयड और कोर्टिकोड मेंटेन करेंगे हमारी बॉडी में मिनरल्स को रेगुलेट करेंगे एटरल ग्लैंड है एटेटन ग्लैंड के दो पार्ट हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला तो जो कॉर्टेक्स है उससे वो उससे हार्मोन से, से हो रहा है कॉर्टिकोड्स और कॉर्टिकोड्स कर रहे हैं मेंटेन या रेगुलेट मिनरल का बैलेंस वो हमारी बॉडी में एटेनल मेडुला से जो हार्मोन से हो रहे हैं वो हैं इपी नॉर एंड ई पीनेफ्रीन ये हेल्प करते हैं सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में मतलब बॉडी को लड़ाई के लिए तैयार करने में नेक्स्ट है पेनक्रियाज ये लीवर के पास होगा सिक नीयर द स्टमक इम्पोर्टेंट रोल किस में है इसका डाइजेशन ऑफ फूड सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होगा इंसुलिन किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो ग्लूकोज जो शुगर का ये अंदर से डाइजेस्ट करने के लिए अगर इंसुलिन इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाए तो होम्यो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे कहते हैं डायबिटीज़ तो पेनक्रियाज सिक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन हेल्प्स द लीवर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इंसुलिन हेल्प करता है लीवर की किस चीज़ में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में फॉर यूज़ बाय द बॉडी और द स्टोरेज एज ग्लाइकोजन बाय द लीवर जो भी फूड हम ले रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट चाहे हम कुछ भी खा लें तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ही शुगर है तो इंसुलिन क्या करता है उसे ब्रेक डाउन करता है और हमारी यू बॉडी की सेल के यूज़ के लिए और जो एक्सेस है उसे स्टोर कर देते हैं लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाते हैं एक्सेस शुगर वैन इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटिड जब इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है इन प्रॉपर अमाउंट तो कंडीशन होगी क्या ब्लड में शुगर बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रही है यूज़ करने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वर्ट करेगा इंसुलिन अगर इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं हो रहा है कम हो रहा है तो अब उसे कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं कोई नहीं तो वो ब्लड में बढ़ती चली जाएगी बढ़े ही कैसे क्योंकि हम खाना पीना खा ही रहे हैं तो बढ़ेगा वो अब बढ़ेगा ब्लड में पहुँचेगा ब्लड में जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में कहेंगे डायबिटीज मिलइट या शुगर की बीमारी हो जाना मतलब हमारी सेल के पास शुगर नहीं जा रही है और हमारे ब्लड मैक्सेस है मतलब दरवाज़ा खोलो तो खाना भरा पड़ा है। और दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा तो ऐसा ही हाल है सेल की मतलब ब्लड में शुगर काफ़ी रहेगी और सेल उस शुगर को यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएगी कन्वर्ट होके कन्वर्ट करने का इंसुलिन का है इंसुलिन का सिक्रेशन अगर कम हो जाए तो जो हम खा पी रहे हैं वो यूज़ नहीं हो पाता सेल उस साइड भूखी मर जाती हैं यहाँ हम एक्सेस खाते खाते रहते हैं तो किसी उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए इंसुलिन का रोल इम्पोर्टेंट है हर एक हार्मोन का ही रोल इम्पोर्टेंट है इंसुलिन सिगरेट होता है पेनक्रियास से नेक्स्ट है गोनार्ड्स रिफर टू द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरेज इन फीमेल ये भी हार्मोन के सिक्रेशन से सिक्रेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हारमोन सिगरेटेड बाई गोनाड्स कंट्रोल एंडसुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन मतलब मेल और फीमेल के दो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्हीं की वजह से आएंगे सिक्रीसन ऑफ हारमोन ऑफ दिस ग्लैंड एंड रेगुलेटेड बाई हारमोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिक हारमोन गोनेडोट्रोपिक हारमोन मेंटेन करेगा सारे चीज़ों को मेंटेन करने में और गोनेडोट्रोपिक हारमोन सिक्रेट होता है किससे पिट्यूटरी से मतलब पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है उससे हारमोन सिक्रेटोर जी टी एच गोनेडोट्रॉपिक हारमोन वो गोनेट्स के पास गया और वहाँ से फिर उसने हारमोन सिकरेट करने में हेल्प की द सिक्रेशन ऑफ जी टी एच स्टार्ट एट द एज ऑफ पोवर्टी इसका हार्मोन का सिक्रेशन जब हम पैदा होते हैं जब नहीं होता है। जब हम दस पंद्रह साल साल की उम्र में पहुँचते हैं जब होता है तभी भी हमारे अपने करैक्टर नजर आते हैं कि लड़की है कि लड़का है उस टाइप से तो वो इसी की वजह से है एंड स्टमुलेट गोनर्ट्स टू सिक्रेट हारमोन विच स्टमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट से सिक्रेट करता है टेस्टोस्ट्रॉन जो मेल करेक्टरिस्टिक्स के लिए है और ऑफ्री से क्रीट करतेट्रोजन एंड प्रोजिस्ट्रॉन जो फीमेल करेक्ट्रिस्टिक्स के लिए हैं तो ये कुछ हार्मोन या इंडोक्रैन सिस्टम हो गए